अगली चीज़ है बेटा पॉलीसेकेराइड्स, आपको बेटा पहले ही मैं बता चुका हूँ। हाँ तो बेटा पॉली का मतलब ज़्यादा, मैनी, और सैकेराइड का मतलब शुगर। बहुत सारी छोटी छोटी बीट्स जैसी शुगर मोनोसेकेराइड्स मिलकर पॉलीसेकेराइड को निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो मैं याद रखता कि जो पॉली, मतलब ये क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर है, मतलब मोतियों की बड़ी माला है। बहुत सारे छोटे छोटे ये सेकेराइड जुड़ जुड़ के बड़ा मोनोमर, हाँ पॉलीसेकेराइड। ये तो क्या है, ये कैसा क्या है, मोनोसेकेराइड का एक पॉलीमर है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगला, ये बेटा पानी में नहीं मिल सकते, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलीसेकेराइड्स पानी में नहीं मिल सकते, ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते, इसलिए पॉलीसेकेराइड्स को हम शुगर भी नहीं बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को हम शुगर नहीं बोलते क्योंकि वो कभी भी टेस्ट ही नहीं करता शुगर की तरह। ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो दिखाई दे ही रहा है भैया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने, साइज इनका ज़्यादा बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल दिखाई दे रहा है, और जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी रिएक्टिविटी कम करता है, और जितना कम रिएक्टिव होगा उतना ही स्टेबल ज़्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। अगला देखो, पॉलीसेकेराइड के बाद देखना, ये ओनली सिंगल रिड्यूसिंग एंड है। रिड्यूसिंग एंड का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो कोई भी आपकी चेन है, पॉलीसेकेराइड की चेन है, वो चेन बेटा जहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाए उसको उसका रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे, कि वहाँ रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई, इसका सिर्फ एक ही एंड है, मतलब एक तरफ से ये बननी बंद हो जाती है, एक तरफ से शुरू होगी तो एक तरफ जाकर बंद हो जाएगी। और हमेशा याद रखना ये रिड्यूसिंग एंड्स के राइट हैंड साइड पर ही होगा, राइट हैंड साइड पर ही होगा, समझ में आ गया। अब रिड्यूसिंग एंड पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बॉडी वहाँ पर चुपकी होती हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन को ही रोक देती हैं। जब बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा तो चैन आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं तो भैया रिड्यूस हो गई, बात खत्म। देखो बेटा जरा फंक्शन देखो, पॉलीसेकेराइड के काम देखो, देखो देखो, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और दूसरा स्टोर्ड फूड, फूड के रूप में स्टोर होती है और स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल और नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस पॉलीसेकेराइड से बेटा यहीं से बनते हैं, तो इतने टॉपिक को हाथ जोड़ कर घोट जाना। देखो स्ट्रक्चर, जो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाए, इंपॉर्टेंट चिटिन, चिटिन याद आती है आपको, कॉकरोच एनिमल किंगडम याद आ गया होगा कि उसका एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो उसकी रूपरेखा है, बाहर का जो उसका शरीर का कवरिंग है, वो चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की कवरिंग कहाँ है, हमारी प्लांट की सेल वॉल के अंदर है। फिर हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का हाफ रूफ। फिर पेक्टीन, और फिर अगला है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये अब बेटा स्टोर्ड फूड, फूड के रूप में कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एनिमल्स में, स्टार्च के रूप में मिलेगा प्लांट्स में, और एक और है हमारा इन्यूलिन, क्या इन्यूलिन याद रखना, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। अगला पॉलीसेकेराइड्स के टाइप देखो, टाइप देखो, तो पॉलीसेकेराइड क्या है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़कर ये पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो बेटा देखो, अगर एक जैसे मोनोसेकेराइड जुड़े, एक जैसे मोनोसेकेराइड जुड़े, अलग अलग ना हो, सिंगल मोनोसेकेराइड्स अगर जुड़ जाए, जैसे ग्लूकोज 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 जुड़ जाए, तो बेटा वो हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स कहलाएगा, और अगर अलग अलग जुड़ जाए तो वो हमारा हेटरोपॉलीसेकेराइड, हेटरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है। तो बेटा होमो के अंदर क्या है, वही सिंगल टाइप से बना होता है, सिंगल टाइप से बना होता है। अगला इसका एग्जांपल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड का सेल्यूलोज, क्या सेल्यूलोज, फिर ग्लूकागन, स्टार्च, चिटिन और इन्यूलिन, इन है ना, ये बेटा सारी ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। हेटरोपॉलीसेकेराइड्स क्या है भाई, जो अलग अलग मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं, जैसे हाइलोरोलिक एसिड, हेमी सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेक्टीन, और हमारा हेपरिन और अगर। ठीक है, ये सिर्फ बेटा इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्यों एनसीईआरटी में इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, इन चीज़ों का बेटा एनसीईआरटी में फुल एक्सप्लेनेशन है, तो इनका हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, वीडियो को फॉलो करते रहो।